मेडिसिन चलता क्या इधर सर? अरे थोड़ा सा तू नीचे आ जा, तू नीचे आ जाना। एसपी ओर से शासकीय रुग्णालय में स्वच्छता अभियान किया जा रहा है, क्या उद्देश्य? ये स्वच्छता ही सेवा अभियान जो प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने शुरू किया थे 1 अक्टूबर को, उसी के अंतर्गत आज हम यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में हमारा सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ नागपुर के तकरीबन 300 लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग आज यहाँ पर स्वच्छता अभियान करेंगे। हमने यहाँ पर जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं उनको भी हमने इसमें शामिल किया है और मैं चाहता हूँ सब यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इस परिसर को साफ रखेंगे तो यहाँ पर बीमारियाँ कम होगी। और वैसे ही मैं चाहता हूँ कि नागपुरवासी भी अपने घर के आसपास जहाँ तक सफाई रख सकते उतना सफाई रखेंगे, जितना साफ रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। स्वच्छ नागपुर, स्वस्थ नागपुर, जय हिंद। सर लगभग कितना स्टाफ यहाँ काम? हम लोग आए करीब 300 लोग आए हम लोग यहाँ पर, हमने डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया यहाँ पर, जीएमसी के डॉक्टर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनके वो भी हमारे साथ में शामिल हुए हैं। मैं प्रशांत जम्बोलकर, डीआईजी सीआरपीएफ नागपुर। सीआरपीएफ की ओर से आज साफ सफाई अभियान चल रहा है शासकीय रुग्णालय में, क्या उद्देश्य है सर? वैसे हमने 1 अक्टूबर को भी हमने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत जो हमारा कैंप है उस साइड में हमने साफ़ सफाई किया था। आज भी हम यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उस कैंपस में और आसपास के इलाके में स्वच्छता का अभियान छेड़ दिया है और देखा जाए तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है स्वच्छता ये, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज भी यहाँ स्वच्छता का अभियान छेड़ा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हथियार लिया हुआ जवान जो देश की रक्षा करता है तो बाकी नागरिक क्यों नहीं इसके साथ शामिल हो सकते हैं, और मेरा सभी को संदेश है कि हमारा ये नगरी है, ये देश है, इसको साफ सुथरा रखें, क्योंकि आखिरी में देखा जाए तो इसी के ऊपर हमारा सारा कुछ प्रगति डिपेंड करता है। आखिर में मैं दो लाइन कहना चाहूँगा, जलसा स्वच्छता का जज्बा राष्ट्रभक्ति का। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडेंट पंडरीनाथ, यहाँ सीआरपीएफ में पोस्टेड हूँ। थैंक यू।